टीथ आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी एज वी लर्न इन द लास्ट चैप्टर फूड कैन प्रोवाइड अस विथ न्यूट्रिय ओनली इफ इट इज़ च्यूड प्रॉपरली दिस चूइंग इज डन विद देल्प ऑफ अवर टीथ यानि कि हम अपने दांतों से क्या करते हैं दाँत हमारे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का आपने प्रीवियस चैप्टर में फूड के बारे में पढ़ा है कि वो हमें कितने सारे न्यूट्री एंट्स प्रोवाइड करते हैं लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स हमें कब मिलेंगे जब हम फूड को अच्छी तरीके से च्यू करेंगे प्रॉपरली हम उसको च्यू करेंगे तभी वो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेंगे और च्यूइंग हम किसके द्वारा करते हैं अपने टीथ के द्वारा यानी कि हम खाने को कैसे चबाते हैं दांतों की मदद से है ना तो मेन फंक्शन टीथ का क्या है टू च्यूइंग द फूड ओके द मेन फंक्शंस ऑफ टीथ अब हम टीथ के मेन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे टीथ हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू द फूड खाने को खाने में जो है दांत हमारी मदद करते हैं वी कैन नॉट स्पीक हम जो है बिना टीथ के जो है प्रॉपरली स्पीक नहीं कर पाएंगे आप एक्टिविटी घर पे करके भी देख सकते हैं आपको जो है बोलने के लिए टीथ और टंग की बहुत ही ज़्यादा हेल्प लेनी पड़ती है ओके थर्ड पॉइंट है टीथ गिव्स शेप टू आवर फेस टीथ जो है वो हमारे फेस को क्या करते हैं शेप प्रोवाइड करते हैं अगर हमारे दांत नहीं होंगे तो हमारे चेहरा जो है उसका शेप जो है चेंज हो जाएगा है ना अच्छा नहीं लगेगा नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ टीथ यानी कि हमारे दांत कितने टाइप के होते हैं टीथ आर प्रेजेंट इन दौ ऑफ दी माउथ हमारे टीथ जो है जॉ ऑफ द माउथ में होते हैं दो टाइप के जॉज होते हैं एक क्या होता है अपर जॉ और एक क्या होता है लोअर जॉ ओके जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो आपने देखा होगा उस बेबी के टीथ नहीं होते लेकिन जब वो फाइव टू सिक्स मंथ का होता है न्यू बॉर्न बेबी तो उसके वन और टू टीथ जो हैं डेवलप हो जाते हैं यानी कि उसके एक या दो दांत आ जाते हैं है ना बाय द टाइम द बेबी टर्न थ्री ईयर्स ओल्ड जब बच्चा जो है तीन साल का हो जाता है तो उसके कितने टीथ हो जाते हैं 20 टीथ हैं हैं. हैं? डेवलप हो जाते और और दांतों को हम क्या कहते milk teeth कहते और temporary teeth भी कहते हैं ओके okay? और जब हम मतलब हमारी एज या बेबी की एज सिक्स टू ट्वेल्व की हो जाती है तो मिल्क टीथ गिर जाते हैं ना फॉल आउट हो जाते हैं और उनकी जगह पे टीथ आ जाते हैं उन्हीं टीथ को हम क्या कहते हैं परमानेंट टीथ कहते हैं वो कितने नंबर्स में होते हैं यानी कि टोटल ट्वेंटी एट टीथ होते हैं ओके एज ट्वेल्व और ट्वेंटी वन के बीच में फोर मोर टीथ आते हैं यानी कि चार और दांत आते हैं जिनको हम क्या कहते हैं विजडम टीथ कहते हैं ओके जो कि कम आउट एट दी बैक जो कि हमारे बैक बैक में आते हैं ओके और जो एडल्ट होते हैं उनके थर्टी टू टीथ्स होते हैं ओके यानी कि थर्टी टू दांत होते हैं माउथ में एडल्ट के है ना बड़े लोगों के काइंड्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शन अब हम टीथ के काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे फर्स्टली जो है टीथ बहुत सारे डिफरेंट टाइप के होते हैं और डिफरेंट शेप के होते हैं फर्स्ट क्या है टाइप इनसीज और कटिंग टीथ ये देखिए ये आपको पिक्चर दिया हुआ है इंसीजर टीथ का जो आपके स्टार्टिंग में यहाँ पे सामने फ्रंट में फोर टीथ होते हैं इनको हम इंसीज़र या कटिंग टीथ कहते हैं ये फ्रंट के फोर टीथ होते हैं ईच जॉ दोनों जॉ में अपर जॉ में भी और लोअर जॉ में भी बोथ इन बोथ जॉज ओके दैट आर फ्लैट एंड हेल्प यू टू बाइट फूड जो कि आपको जो कि कैसे होते हैं फ्लैट होते हैं और जो कि आपको फूड को बाइट करने में हेल्प करते हैं नेक्स्ट क्या है कैनिन और टीयरिंग टीथ होते हैं ओके okay, ये टू होते हैं ये देखिए है? ये आपको कैनिन टीथ दिए हुए हैं या टीयरिंग टीथ ओके और ये भी दोनों साइड पे होते हैं इनसीजर टीथ के ये इन सीजर टीथ के दोनों साइड पे हैं ओके okay? ये भी ईच जॉ में होते हैं यानी कि अपर और लोअर बोथ जॉज में पाए जाते हैं दे आर पॉइंटेड एंड यूज टू टीयर दी फूड विथ ये पॉइंटेड होते हैं ठीक है ये देखिए पॉइंटेड टीथ होते हैं ये और ये फूड को टीअर करने में काम आते हैं थर्ड टाइप है प्री मोलर्स एंड मोलर टीथ ओके ये देखिए प्रीमोलर टीथ हम इन्हें कहते हैं और मोलर टीथ ये लास्ट के होते हैं ओके okay? ये फूड को क्रशिंग और ग्राइंडिंग करने में मदद करते हैं ठीक है ये क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग टीथ भी कहलाते हैं देर आर फोर प्रीमोलर ये देखिए प्रीमोलर टीथ कितने होते हैं फोर ये देखिए वन टू थ्री फोर ओके फोर प्रीमोलर टीथ होते हैं एंड सिक्स मोलर टीथ और सिक्स मोलर टीथ होते हैं ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये सिक्स मोलर टीथ होते हैं ईच जॉ यानी कि ये आपको लोअर जॉ के बारे में दिया हुआ है इसी तरीके से अपर जॉ होगा वहाँ पे भी सेम ऐसा ही टीथ के टाइप्स होंगे ओके okay? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ यानी कि अब टूथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है द पार्ट ऑफ द टूथ अबव द गम इज कॉल्ड द क्राउन जो अब ऑफ द गम जो पार्ट होता है टूथ का दांत का उसको हम क्या कहते हैं क्राउन कहते हैं ओके द पार्ट इन साइड द गम और जो गम के इन साइड का पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं रूट कहते हैं ओके वेन रूट मीट द क्राउन और जब रूट मीट करती है क्राउन से क्राउन से मिलती है तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं नेक कहते हैं

कट सेक्शन आपको यहाँ पे हेल्दी टूथ का दिया हुआ है फर्स्ट क्या होता है इनामल ये देखिए इनामल आपको दिया हुआ है ये देखिए क्राउन जिसको बोल रहे थे हम और ये रूट पार्ट है ओके okay? इनामल इट इज़ दी वाइट हार्ट पोर्शन ऑफ द टूथ दैट वी सी ये वाइट हार्ड पोर्शन होता है जिसको हम देखते हैं आपने दाँत देखे है ना अपनी टूथ ये जो वाइट पोर्शन आपको दिखता है उसको हम इामल कहते हैं ओके इट इज़ दार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी ये हमारी ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है आपने देखा है ना आपके जो टीथ है वो कितने ज़्यादा हार्ट होते हैं ओके नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट पार्ट है इसका डेंटाइन ओके okay? इट लाइज अंडर द इनामल एंड इज़ नॉट सो हार्ड ये इनामल के अंडर रहता है यानी कि इसके नीचे रहता है ये देखिए डेंटाइन ओके ये जो है ज़्यादा हार्ड नहीं होता ओके एज़ कम्पेयर टू एनामिल एनामिल लास्ट थर्ड पार्ट इज़ पल्प ये देखिए पल्प आपको यहाँ दिया हुआ है इट लाई इनसाइड द डेंटाइन डेंटाइन के नीचे होता है एंड हैज ब्लड वैसल्स और इसमें ब्लड वैसल्स होती हैं ये देखिए आपको पिक्चर में डायग्राम में बनाए हुए ब्लड वैसल्स हैं यहाँ पे डैट प्रोवाइड न्यूट्रियस टू दी टूथ ये टूथ को क्या प्रोवाइड करती है न्यूट्रियस प्रोवाइड करती हैं इट ऑल्सो हैज नर्व्स इनकी अपनी नर्व्स भी होती हैं और ये टूथ को क्या प्रोवाइड करती हैं न्यूट्रिय प्रोवाइड करती है ये काम किसका होता है पल्प का तो आपको समझ में आया कि टूथ के कितने टाइप्स मतलब इसके कितने पार्ट्स होते हैं एनामल डेंटाइन पर्प रूट ओके एंड द अब पार्ट ऑफ द रूट इज कॉल्ड एज क्राउन ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टूथ डिके यानी कि हमारे दांत कैसे डिके हो जाते हैं जब आप जो है वेन एवर वी ईट समथिंग सम पार्ट ऑफ दी फूड दैट वी ईट स्टक बिटवीन अवर टीथ जब हम कुछ खाते हैं तो उसका जो हम हमारा खाना जो है दांतों में लगा रह जाता है अगर हम अपने मुंह को अच्छे से साफ नहीं करेंगे खाना खाने के बाद यानी कि ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा वो खाना हमारे दांतों में लगा रह जाएगा और उससे फिर क्या होगा बैक्टीरिया स्टार्ट हो जाएंगे ग्रो होना ओके यानी कि हमारे दांतों में बैक्टीरियाज लगने लगेंगे ओके और वो बैक्टीरिया लगेंगे तो क्या होगा हमारे दांतों में एक येलो कलर की लेयर फॉर्म होने लगेगी ठीक है टीथ में एक येलो कलर की लेयर फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं प्लेग बोलते हैं ओके द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन प्लेग दैट ब्रेक डाउन दी फूड पार्टिकल इंटू एसिड अब जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं इस फ्लैग में वो क्या करते हैं वो फूड पार्टिकल्स को एसिड में जो है ब्रेक डाउन करने लगते हैं और यही एसिड जो है ईट अवेदे इनैमल कोटिंग जो हमारी इनैमल की कोटिंग होती है यानी कि ये जो हमने पढ़ा था ना ऊपर इनेमल इसकी कोटिंग को जो है क्या करने लगता है होल करने लगता है उसमें और कैविटीज होने लगती है ये देखिए आपको पिक्चर बना के दी हुई है ना और इस तरीके से जब इसमें कैविटी होती है तो ये हमारे दांतों के नीचे नर्व्स जो पल्प पार्ट होता है वहाँ तक पहुँच जाती है और यही फिर हमारे टूथ का में पेन का कारण बन जाती है यानी कि हमारे दांतों में दर्द होने लगता है और इस तरीके से हमारे दांत डिकेंग होना स्टार्ट हो जाते हैं यानी कि ख़राब होना चालू हो जाते हैं अब देखिए ये बैक्टीरिया ग्रो फास्टर ऑन स्टिकी फूड जो बैक्टीरिया होते हैं यानी कि जो हमारे दांतों में बैक्टीरियाज लग जाते हैं वो स्टिकी फूड में जल्दी ग्रो होते हैं जैसे कि चॉकलेट स्वीट्स है ना तो इसलिए आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि ज़्यादा स्वीट और चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए अगर आपको अपने दांतों को क्लीन रखना है अच्छा स्वस्थ रखना है तो आपको मीठा खाने को अवॉइड करना चाहिए ओके और अपने दांतों को हमेशा क्लीन करते रहना चाहिए ओके टर्न पेज, केयर ऑफ टीथ यानी कि अब आप अपने दांतों को कैसे केयर कर सकते हैं यस, yes. सबसे पहले आप अपने माउथ को क्या करें रिंस करें हमेशा खाने के बाद ओके ब्रश करें ट्वाइस अ डे दिन में दो बार ब्रश करें उसके बाद फ्लॉज अप फ्लॉज जो है इम्पॉर्टेंट होता है आपके टीथ के लिए तो वो भी आप करें इससे जो है जो फूड जो है आपके दांतों में रह जाता है फ्लॉस के थ्रू निकल जाता है ओके कैल्शियम प्रोडक्ट्स लें जैसे कि मिल्क ओके ये आपके टीथों को स्ट्रॉन्ग करेगा आप एक्सरसाइज कर सकते अपने गम्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है ना मसाज कर सकते गम्स की अपने फिंगर के थ्रू ओके ताकि आपके दांत हेल्दी रहें नेक्स्ट टॉपिक इज़ माइक्रोब माइक्रोब माइक्रोब्स क्या होते हैं आप ये बहुत ही टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम नेक्ट आई से नहीं देख सकते यानी कि हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते इनको हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देख सकते हैं ओके ये माइक्रोब्स हम हर जगह प्रेजेंट होते हैं एयर में भी वाटर में सॉयल में हमारी बॉडी के इनसाइड यानी कि अंदर एनिमल्स बॉडी में सब जगह प्रेजेंट होते हैं ओके माइक्रोब्स जो हैं फोर काइंड के होते हैं यानी कि चार प्रकार के होते हैं फर्स्ट इज बैक्टीरिया सेकेंड प्रोटोजोआ थर्ड फंगी फोर्थ वायरस ओके फोर टाइप्स के जो है माइक्रोब्स होते हैं अब देखिए बैक्टीरिया फर्स्टली बैक्टीरिया जो है सिंगल सेल्ड होता है यानी कि इसमें एक सेल का ऑर्गेनिज्म होता है ये और अलग अलग शेप के होते हैं ये ठीक है इनके कारण जो है डिसीज यानी कि बीमारियाँ होती हैं जैसे कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है टाइफाइड हो जाती है ट्यूबर हो जाती है और जो आपके टूथ डिके होते हैं ना अभी हमने पढ़ा था वो भी बैक्टीरिया के कारण ही होते हैं नेक्स्ट प्रोटोजोआ ये भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है लेकिन ये थोड़ा बिगर साइज का होता है एज कंपेयर टू तो बैक्टीरिया ओके और ये ठंडी वेट प्लेस में गीली जगह पे रहता है ठीक है गीली जगह पे वेट मीन्स गीली गीली जगह पे रहता है प्रोटोजोआ जो है प्लांट की बॉडी में भी रहता है और एनिमल की बॉडी में भी लीव करता है ठीक है इसके कारण डायसेंट्री और मलेरिया जैसी बीमारियाँ होती हैं थर्ड इज फंगी फंगी जो है ये डेड और डिके थिंग में होती है यानी कि मरी और गली हुई चीजों में फंगी ग्रो होती है ठीक है कुछ फंगी यूजफुल होती है लेकिन कुछ डिसीज़ कॉज करती हैं जैसे कि रिंग वॉम एथलीट फूड ऐसी डिसीजेज जो हैं फंगी के कारण होती हैं फोर्थ वायरस ये बहुत ही स्मॉल माइक्रो होता है एक्सट्रीमली स्मॉल ओके यानी कि बहुत छोटा जिसको हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते ठीक है इसके कारण जो डिसीज़ होती है वो कौन सी होती है मेसलेस होती है मम्स हो मम्स होते हैं फ्लू होते हैं ठीक है ठीके? ये सब वायरस के कारण होती हैं माइक्रोब्स अब यूजफुल क्यों होते हैं मिल्क को कर्ड में चेंज करने के लिए यानी कि दूध से दूध को दही बनाने के लिए बैक्टीरिया का यूज होता है ज़्यादातर बैक्टीरिया फंगी क्या करते हैं डिके करते हैं डेड प्लांट्स को जो प्लांट्स डेड हो चुके हैं एनिमल्स मर चुके हैं उनको जो है डिके खराब करने में मदद करते हैं ताकि एरिया क्लीन हो सके क्लियर हो सके कुछ बैक्टीरिया जो है डाइजेशन में रफेश को डाइजेशन में जो हेल्प करते हैं हमें है ना इंसेक्ट इंटेस्टाइन ऑफ हर्बी वायरस जैसे कि काऊ और शीप के ओके okay? कुछ बैक्टीरिया जो है ह्यूमन इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होते हैं यानी कि हमारे इंटेस्टाइन में भी जो कि टू मेक सम विटामिन विटामस को मेक करने के लिए हेल्प करते हैं ईस्ट जो होती है फंगस होती है एक प्रकार की ठीक है जो कि ब्रेड और केक को फ्लफी बनाने के लिए यूज़ होती है ठीक है इस तरीके से मशरूम है वो भी कई चीज़ों में यूज़ होती है ये भी फंगी का टाइप है एंड लास्ट फंगस जो है पेनेसलम एक टाइप का होता है जो कि मेडिसिन पेनिसिलिन मेडिसिन बनाने के काम आता है विच इज़ एन एंटीबायोटिक जो कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाने के यूज़ में पेनेसलम फंगस का यूज़ होता है यहाँ आपका ये चैप्टर कम्प्लीट हुआ आई होप आपको ये क्लियर होगा थैंक यू